हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में मार्बल्स को किस तरह से तैयार किया जाता है? दोस्तों, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे किया जाता है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले कुछ इस तरह से माइनिंग करके इन मार्बल्स को निकाला जाता है। अब इन निकले मार्बल्स को चौकोर आकार में फिनिशिंग के साथ काटा जाता है। इन मार्बल्स को माइनिंग से बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े क्रेन्स का यूज किया जाता है। कटिंग कर लेने के बाद इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्रियों में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इनकी अच्छे से पानी से सफाई की जाती है। इसके बाद इन मार्बल्स को निर्धारित साइज में कुछ इस तरह से काटा जाता है। इस काटने वाले मशीन में 20 से 50 तक के लोहे के ब्लेड लगे होते हैं, जिसकी मदद से सिर्फ एक ही बार में इन मार्बल्स को पूरा का पूरा काटकर मार्बल्स के सीट में निकाल लिए जाते हैं। अब इन कटे मार्बल के सीट को आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन सीट्स को अच्छे से फिनिशिंग दी जाती है और फिर इनकी पॉलिशिंग की जाती है, ताकि इन मार्बल्स के सीट में अच्छी तरह से चिकनाई आ जाए। जिसके बाद ये मार्बल के टाइल्स पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मार्केट भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।